हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के गणित के एक पेपर को देखने वाले हैं जो कि 2022 में हुआ है। देखते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित भिन्नों में से किसी का दशमलव प्रसार करना है। कहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से किसी भिन्न का प्रसार करना है, दशमलव को शांत है या अशांत है। तो पूछा कि यह इसको जो है अशांत है या शांत है, आपको शांत बताना है। तो शांत कौन सा है उसको बताएंगे, तो शांत है। इसमें ए भी अशांत है, ए अशांत है, यानी 4 सही 1/8, यानी 8 चौके 32 है, 33/8 एक शांत दशमलव है, बाकी सब अशांत दशमलव है। दूसरा है कि समीकरण यक्स माइनस 2y = 4 का हल है। तो हल करने के लिए आपको क्या करना है, पीएक्स वाई का मान रख देंगे। यदि हम यक्स बराबर 0 रखते हैं, यक्स बराबर 0 रखेंगे तो वाई का मान क्या आ जाएगा, तो 0 - 2y = 4। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा का हल पूछा है। अगर हम वाई का मान 0 रखते हैं तो यक्स का मान कितना आता है, 4 का मान आता है। यदि हम वाई का मान 0 रख देंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा कहा है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो शेष कोण क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया है। 90 डिग्री का कोण बन गया तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। जब त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, एक 90 डिग्री है तो दोनों को मिलाकर 90 डिग्री, यानी इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी दोनों का योग, यानी ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा होगा। जब जो कोण 90 से छोटा होता है उसे कहते हैं न्यून कोण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, न्यून कोण। कहा कि यदि एक कोण 90 डिग्री हो तो अन्य दो कोण क्या हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो अर्धगोला है क्या है, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 3πr² होता है। क्या होता है, 3πr² होता है। पूछा है कि किसी शंकु की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई यस है, शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो त्रियक ऊंचाई आपसे पूछा है तो आपको उसकी त्रियक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यल बराबर होता है L² बराबर होता है H² + R²। तो त्रियक ऊंचाई यल पूछा है तो यल बराबर करोड़ी में R² + H² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 16³ × 3⁴, यानी 16³ × 3⁴ का मान क्या होगा। तो 16 को आप लिख सकते हैं 2⁴। जब 2⁴ आप लिखेंगे 4 और यहाँ है 3⁴, तो 4⁴ कैंसिल हो जाएगा और 2³ आ जाएगा। 2³ का मतलब 2³। उत्तर हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है दूसरा, सभी खंड कीजिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जब भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी a + b/2। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3/5 + 4/5/2। इन दोनों को 5 × 3 = 7 और 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, 5 × 2 = 10। एक परिमेय संख्या हो जाएगी 7/10। इसी आधार पर आप इन दोनों को ले लेंगे दूसरी परिमेय संख्या निकल जाएगी, इस दोनों को लेंगे तीसरी निकल जाएगी, जो इन दोनों से आएगी इसको लेंगे चौथी, जो इससे आएगी इन दोनों से लेंगे पांचवीं निकल जाएगी। यानी पाँचों आप इससे निकाल सकते हैं इसी सूत्र के माध्यम से। अगला है कि 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है तो 6 का गुण इसमें इसमें करेंगे तो 6 × 36 हो जाएगा। 36 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर आए 5 और गुणा करने पर आए 36। तो आप इसका हल कर लेंगे, आपको आ जाएगा। उसके बाद कहा है कि गोले की त्रिज्या 3.5 मीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3πr³ होता है। 4/3πr³ होता है। आर का मान 3.5 दिया है, मान रखकर आप इसको हल कर लेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया है कि इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे तो यह एक सीधी रेखा है, सीधी पर रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 50 = 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 50 को उधर भेजेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 180 - 50। जब भी 180 में से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। यानी यक्स का मान आ गया 130 डिग्री। जब यक्स का मान 130 डिग्री तो यहाँ पर 130 डिग्री तो यहाँ भी 130 डिग्री हो, क्योंकि सिरसाभिमुख कोण है। तो वाई बराबर भी हो जाएगा 130 डिग्री, यानी यक्स का मान भी 130 डिग्री, वाई का मान भी 130 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है आकृति में यक्स वाई एम एन प्रतिच्छेद करती है तो सी का मान ज्ञात करना है। इसमें ए अनुपायों बी का अनुपात दिया है। जब भी अनुपात दिया रहता है तो उसको हम मान लेते हैं कुछ भी। जब 3-2 दिया है तो इसको 2x मान लीजिए, 3 दिया है तो 3x मान लीजिए। और यहाँ पर दिया है एक रेखा है, इस पर 90 डिग्री कोण बनेगा, 90 इधर बनेगा, यहाँ पर दिया भी है। इन दोनों को जोड़ेंगे 2x + 3x
बराबर 90 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 x बराबर 90 डिग्री। जब भी 180 यानी 90 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देंगे तो 18 5 90, तो x बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 रख देंगे, 18 2 36, 18 3 54, दोनों का मान आ जाएगा ए और बी का मान। उसी प्रकार 100 यहाँ बी में से 180 में से घटा देंगे तो सी का मान भी आ जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, इसका परिमेयीकरण आपको ज्ञात करना है। इसका परिमेयीकरण कर सकते हैं, 1/2 कर्णी में 7 है माइनस कर्णी में 6 है, तो इसका परिमेयीकरण कर देंगे, कर्णी में 7 प्लस कर्णी में 6 हो जाएगा, 1/2 कर्णी में 7 प्लस कर्णी में 6 हो जाएगा। इन सबको हल कर लीजिए, 7 कर्णी में 7 प्लस कर्णी में 6 हो जाएगा, 1/7 बाहर 6 माइनस हो जाएगा, तो कर्णी में 7 प्लस कर्णी में 6 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे कहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज है, ए बराबर 90 डिग्री है। जैसे माना एक समकोण त्रिभुज है, ये हो गया ए बी सी, ये कह रहा है 90 डिग्री का कोण है, तो ए सी ए भी बराबर है, तो बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। कहा है कि ए बी रेखा, जो ए बी रेखा है और ए सी रेखा है बराबर है, ए सी रेखा है क्या बराबर है, यानी ए कोण और ए कोण भी बराबर। जब दो भुजाएं बराबर दो कोण भी बराबर हो जाएगा, दो कोण बराबर, अगर ए एक्स है तो ए एक्स से 90 डिग्री हो जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 45 45, दोनों का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। आगे कहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है, तो उसका परिमाप 42 सेमी है। कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी दो भुजाएं इतना दी है, तो आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर हीरोन का सूत्र लगा देंगे और आपका आ जाएगा। हीरोन का सूत्र होता है ए बराबर करड़ी में यस एस माइनस ए, यस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ यस बराबर होता है अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी 2। इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, आगे दिया है कि के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको के का मान ज्ञात करना है, तो यक्स का मान आप इसमें रखेंगे, यक्स माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आप यक्स का मान 1 रख दीजिए, 1 रखेंगे तो यहाँ के आ जाएगा माइनस कड़ी में 2 हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0, उसको उधर भेज दिए माइनस हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि इसका आपको प्रसार कर देना है, ए माइनस 5 बी प्लस माइनस सी का प्रसार कीजिए, आप होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है तो आप कर सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब, सरसमीकरण से ए माइनस बी का होल क्यूब से निकाल लेना है। अब इसका कहा है कि भाग देने पर शेषफल क्या आ जाएगा, आप इसमें भाग देखकर भी शेषफल निकाल सकते हैं। यक्स माइनस ए बराबर 0, यक्स बराबर ए, यक्स का मान ए रख देंगे तब भी आपका शेषफल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद पांचवा सवाल कहा है कि त्रिभुज के लंब समद्विभाजक है, तो आपको इसको प्रूव करना है कि यह समद्विभाजक त्रिभुज है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद यह कि एक चतुर्भुज के कोण 3 5 9 का अनुपात में है, तो ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 कोण होगा, 3 कोण दिया है पर गलत है, 4 कोण का मान होगा। एक घनाकार पानी टंकी 6 मीटर 5 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है, तो कितना लीटर आएगा, आपको इसका आयतन ज्ञात कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज दिया है, सभी का मान दिया है और आप इस पर ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद कहा है कि आपको समचतुर्भुज PQR की रचना करना है, मध्य बिंदु पर इसको आयत है, इसको सिद्ध कर देना है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की परस्पर जीवायत केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं, शंकु के आधार गुंबद है, त्रिज्या ऊंचाई यहाँ पर दिया है, प्रति मीटर दिया है आपको, इसका वर्ग मीटर ज्ञात करके इसका व्यय बता देना है। यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है इन दोनों में, इसका उल्टा करके परिमेयीकरण करके इसका आप मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज परस्पर लंब होते हैं, या इसको सिद्ध करना है। ये था एक। इसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन, आधार का व्यास 28 सेमी है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई यह और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। आप जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, एल का मान निकाल कर इसमें दे देना है। उसके बाद कहा कि 4 बच्चों में परिवार के दिया आंकड़ा दिया, आंकड़े के आधार पर इसको हल कर लेना है। पूछा है 2 लड़कियां हो, कोई लड़की ना।